Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 12, General Sanskrit class. It is last chapter of our book. After completing this chapter, we have to start our revision. This chapter is about space, exploring space. Exploring space means to investigate what is space. To study space, what is there inside the space? All these things they will be discussed in this chapter. ये स्टार्ट में आपको कुछ चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पे बताई गई हैं स्पेस के बारे में. वैसे हम स्पेस को देखें कि व्हाट इज स्पेस, तो स्पेस हम कहते हैं किसी भी अनऑक्यूपाइड प्लेस को. अनऑक्यूपाइड प्लेस जैसा कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स बैठे हो, कोई और आता है, तो अगर जगह नहीं होती आप कहते हैं यहाँ को स्पेस नहीं है. ठीक है, अगर जगह ना हो तो हम कहते हैं यहाँ स्पेस नहीं है. या कोई स्टूडेंट अंदर बैठना चाहे तो पूछता है कोई स्पेस है अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस किसको कहा जा रहा है? अनऑक्यूपाइड प्लेस को, जो खाली जगह है. ठीक है, स्पेस का वर्ड आपको लफ्जी मतलब मैंने बताया, ये क्लियर होना चाहिए. अनऑक्यूपाइड एरिया, अनऑक्यूपाइड प्लेस, हम कहते हैं यहाँ कोई स्पेस नहीं है. हालांकि अंदर इतनी जगह है और इतने बच्चे बैठे हैं, तो स्पेस नहीं का मतलब क्या? खाली जगह नहीं है, कोई अनऑक्यूपाइड प्लेस नहीं है जहां पे कोई और बच्चा आ सकता है या कोई और चीज रखी जा सकती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है दैट कैन बी प्लेस देयर. तो एनी अनऑक्यूपाइड एरिया और अनऑक्यूपाइड प्लेस जो है उसको हम स्पेस कहते हैं. यहाँ पे जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं ये क्या है? ये बेटे जमीन से हाइट पे वो जगह जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो खत्म हो जाती है, जमीन की कशिश जो है वो खत्म हो जाती है, इसको हम स्पेस कहते हैं. इसके नीचे एटमॉस्फेयर है, एयर है जिसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं. अभी कोई टॉपिक जब डिस्कस होगा तो ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर को, यहाँ टॉपिक नहीं है. तो एटमॉस्फेयर के बाद बेटा स्पेस आती है ऊपर. अब इसके अंदर कोई चीज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मटीरियल ऑब्जेक्ट कोई नहीं, कोई मीडियम नहीं है स्पेस के अंदर. ठीक है, मीडियम इसमें नहीं है. तो स्पेस के अंदर फिर क्या चीज है? हैमली बॉडीज जो हैं, डिफरेंट हैमली बॉडीज. हैमली बॉडीज क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, ये स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह, मीटियोराइड्स वगैरह, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस के अंदर मौजूद हैं. तो स्पेस को एक्सप्लोर करना, कि स्पेस के अंदर पाए जाने वाले इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना, ये चीजें जो हैं हमने इस चैप्टर में देखनी है. तो कहा कि स्पेस को जानना ये साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है, कोशिश रही है कि स्पेस को एक्सप्लोर किया जाए, कि इसके अंदर क्या है इसको स्टडी किया जाए. तो साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप्स को यूज किया है स्पेस को स्टडी करने के लिए. काफी अरसा से टेलीस्कोप्स यूज हो रही हैं और आजकल कुछ फर्दर जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स और न्यू फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिनके जरिए हम स्पेस को बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं. अब इन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चीजें हैं? टेलीस्कोप के साथ साथ बेटे इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह, इस किस्म की कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ और चीजें हैं हमारे पास, हम जिनको यूज करते हुए स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, स्पेस क्राफ्ट वगैरह हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, स्पेस क्राफ्ट क्या है, स्पेस स्टेशन का पढ़ेंगे, रॉकेट्स वगैरह के बारे में बात होगी. तो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल होते हैं और
उनके बेनिफिट्स क्या हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। नो बेटे, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं स्टार्ट करूंगा इनके एक्सप्लेनेशन। कुछ बच्चों ने अगर क्वेश्चन पूछना है अभी तो वो पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप बेटा, पूछ सकते हैं? हैमोली बॉडीज, ठीक। हैमोली बॉडीज को हैमोली बॉडीज क्यों कहते हैं बेटे? एनी ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई, इट इज कॉल्ड हैमोली बॉडी। उर्दू में इसके लिए टर्म यूज होती है फलकी अजसाम। फलक कहते हैं आसमान को। आसमान पर नजर आने वाली जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं, ये अजराम फलकी, ठीक है, फलकी अजसाम, या इनको हम हैमोली बॉडीज कहते हैं, ठीक है। जी बेटा, किसी और का क्वेश्चन है? हाँ जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी स्क्रीन पे। आपके यहाँ शेयर नहीं हो रही? देखें बेटे, यहाँ बाकी किसी बच्चे को मसला नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि मेरी साइड से तो मसला नहीं है। तो आप ऐसे करें कि रीस्टार्ट कर लें। इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा? चलें ठीक है सर। अभी आपको नजर नहीं आ रही सर? आप रीस्टार्ट कर लें। सिर्फ लिखा हुआ मोहम्मद सदीक है, स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ तो देखें, ये मैसेज तो आ रहा है ना आपको, आपके वो मोबाइल में या लैपटॉप में मसला आ रहा है, उसको रीस्टार्ट कर लें, हो जाएगा। ओके सर। जी बेटे, टेलीस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मीन दूर दराज की चीजें, जो ज्यादा दूर होती हैं। ये टेलीस्कोप हमें वो चीजें करीब करके दिखाता है, हम उन चीजों की डिटेल जो है वो इजीली देख सकते हैं। तो ये गैलीलियो का नाम इसमें आता है, जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप इन्वेंट की और उसको यूज किया 1610 में, 1610 में, 1610 में गैलीलियो ने पहली टेलीस्कोप जो है वो इन्वेंट की और उसको यूज किया। जब टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई तो चूंकि इसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता था, तो हैमली बॉडीज और स्पेस की जो साइंटिफिक स्टडी है ये स्टार्ट हो गई। क्योंकि पहले हैमली बॉडीज को हम स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत दूर थे। जब टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई तो हैमली बॉडीज की स्टडी जो है इसमें प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। अब जो बेटे मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं, ये बहुत बड़ी हैं एंड दे आर आल्सो इक्विप्ड विद लेटेस्ट एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या होती हैं? एडिशनल थिंग्स एडेड, ठीक है, एक्सेसरीज होती हैं, कोई इजाफी चीज ऐड की हुई है उसमें जरूरत के लिए, सहूलत के लिए, उसे एक्सेसरी कहा जाता है। एक तो आपकी मेन चीज हो गई ना, मेन ऑब्जेक्ट हो गया, अब उसके साथ कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए मजीद चीजें साथ ऐड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, वो एक्सेसरीज कहलाती हैं। तो टेलीस्कोप्स जो हैं इनके साथ अदर जो है वो एक्सेसरीज भी मौजूद हैं। तो ये बेटे आपको टेलीस्कोप का बताया गया यहाँ पे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, दूर दराज की चीजों को देखने के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। चूंकि हैमली बॉडीज दूर होती हैं तो इसलिए उनके लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। नेक्स्ट इसमें टाइप्स टेलीस्कोप्स की, तो दो किस्म के टेलीस्कोप्स हैं बेटे। एक है, ये लिखा ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट इसमें यूज होती है, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट का यूज होता है। लाइट रेज हैं जो ऑब्जेक्ट से आती हैं, जिनके जरिए हमें ऑब्जेक्ट के इमेजेस जो हैं वो नजर आते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये इसकी दो किस्में। अब बेटे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को देखें, आपको मैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि इनमें क्या फर्क है। रिफ्लेक्शन कहते हैं लाइट का वापस मुड़ना किसी ट्रांसलूसेंट सरफेस से टकराकर,
और रिफ्रैक्शन कहते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होकर मुड़ना, डायरेक्शन को चेंज करना। यहां पे रिफ्रैक्शन ये लेंसेज में से होगी। तो बेटा ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक ये लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ये लेबल किया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे जब पड़ती हैं तो ये उनको कन्वर्ज कर देता है, उनको मोड़ देता है, फोकस कर देता है इस पॉइंट पे। ये फोकल प्लेन है, ये पॉइंट फोकस जो शो किया गया, ये पूरी प्लेन फोकस प्लेन है। तो जिस जगह ये लाइट रेज फोकस होंगी इस जगह उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। लिहाजा ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया है यहां पे। और उसके बाद दूसरा हिस्सा इसका बेटे आ रहा है आईपीस, ये आईपीस है इधर। तो आईपीस क्या करता है, आईपीस के अंदर लेंस होता है, ये उस ऑब्जेक्ट को, उस इमेज को, वो जो वहां पे बना था, उस इमेज को हम इस आईपीस के जरिए देख सकते हैं। आईपीस जो है इसके जरिए हम उस ऑब्जेक्टिव का बना हुआ जो इमेज है उसको देख सकते हैं। देखिए इधर आंख को शो किया कि यहां से हमने देखना है उस ऑब्जेक्ट के इमेज को। तो तीसरा इसमें ये लॉन्ग ट्यूब है। तो तीन हिस्से इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के हुए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आईपीस और तीसरी ये लॉन्ग ट्यूब। ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों जो हैं ये बेटे इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर फिटेड होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इस दूसरे जो फार एंड है इसमें फिट होता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को ये फोकस करता है यहाँ पे फोकल प्लेन के ऊपर, यहाँ पे उसका इमेज बन जाता है। और जो आई पीस है इसके जरिए हम उस इमेज को देख सकते हैं। ये बेटे है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब दूसरी देखें वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर बेटे ये कंकेव मिरर होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें, इसमें भी ये लॉन्ग ट्यूब है उसके अंदर ये मिरर है, कंकेव मिरर, और ये आईपीस है। लॉन्ग ट्यूब, कंकेव मिरर और आईपीस, इसमें कि सेकेंडरी मिरर भी होता है, ये हर सूरत में नहीं है, इजाफी है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। लेकिन ये आईपीस, ये प्राइमरी मिरर जिसको कहा, कंकेव मिरर है, लार्ज मिरर होता है, और ये जो बॉडी ट्यूब है इसकी, ये हर एक टेलीस्कोप के पार्ट है। जैसे बेटे देखें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो हैं इस प्राइमरी मिरर पे पड़ रही हैं जो कि कंकेव मिरर है। तो ये कंकेव मिरर इन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो रेज ये इस सेकेंडरी मिरर के ऊपर पड़ती हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे फोकस हो रही है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो बेटा ये सेकेंडरी मिरर उन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा जो यहां पे फोकस होंगी, यहां पे इमेज बनेगा, और ये इमेज हम आईपीस के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो सेकेंडरी मिरर है ये हर टेलीस्कोप में नहीं होता, बास का ये होगा कि यही वाला जो मिरर है प्राइमरी मिरर, इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे ऐसे होती है कि ये डायरेक्ट ये वाला मिरर ही रेज को फोकस करेगा, आईपीस के अंदर वो रेज जाएंगी फोकस होने के बाद, और इमेज को हम डायरेक्टली जो है वो आईपीस के अंदर से देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दोबारा देख लें कि इसके अंदर एक लार्ज जो है वो कंकेव मिरर है, एक इसमें आई पीस है, और एक इसमें ट्यूब है जो होल्ड करती है इन सारी चीजों को, लेंसेज मिरर्स को। तो बताया कि जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ये कंकेव मिरर होता है, ये रिफ्लेक्ट करेगा और कन्वर्ज करेगा लाइट को ऑन आई पीस, या तो डायरेक्टली, देखिए मैंशन किया ना उन्होंने कि या तो डायरेक्टली फोकस करता है, रिफ्लेक्ट करता है आई पीस की तरफ, या फिर थ्रू एन अदर रिफ्लेक्टिंग मिरर। जो दूसरा रिफ्लेक्टिंग मिरर है वो ये है जिसको सेकेंडरी मिरर का नाम दिया, कि या इसके थ्रू करेगा या डायरेक्टली फोकस करेगा। अब आईपीस क्या करता है, आईपीस मैग्नीफाई कर देता है इमेज को जिसको ऑब्जेक्टिव मिरर ने बनाया होता है। ये वाला जो इमेज यहां बना होता है
तो ये आईपीस उसको मैग्नीफाई मैग्नीफाई करना होता है, बड़ा करना, जैसा मैग्नीफाइंग ग्लास को भी आप जानते हैं। तो ये आईपीस उसको मैग्नीफाई कर देगा, यानी बड़ा करके दिखाएगा। तो बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स ये जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, नेम में आपको कंफ्यूजन होगी, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं हेडिंग में। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसको स्टडी हम कर रहे हैं, इट इज ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हेडिंग में इशू था। तो ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की निस्बत बड़ी होती है और उससे ज्यादा बेहतर है। इसके जो इमेजेस हैं वो ज्यादा ब्राइट होते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की निस्बत। इसके बेटे देख लें कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की निस्बत एक तो ये साइज में बड़ी होती है, दूसरा उससे ज्यादा बेहतर है, और इसके जो इमेजेस हैं वो ज्यादा ब्राइट होते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की निस्बत। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है हबल टेलीस्कोप। हमने टेलीस्कोप्स को जैसे देखा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो देख रहे हैं, जो ग्राउंड बेस्ड होती हैं, यानी जिनको हम जमीन के ऊपर रखकर जो है वो यूज करते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। क्या? कि जो डिस्टेंट स्टार से लाइट आ रही होती है वो डिम लाइट होती है, जब वो एटमॉस्फेयर में से पास होती है तो इमेजेस जो उस लाइट के जरिए बनते हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होते, क्योंकि लाइट रेज एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाती हैं, कुछ डिस्पर्स हो जाती हैं। तो चूंकि ब्राइट लाइट नहीं आती इसलिए इमेजेस क्लियर नहीं होते। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स का बेटा मैंने बताया कि इनके जरिए जब हम हेवनली बॉडीज को देख रहे होते हैं, तो हेवनली बॉडीज से आने वाली रेज चूंकि एटमॉस्फेयर में से पास होकर आ रही होती हैं, वो डिम होती हैं, और एटमॉस्फेयर में के अंदर मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, इनमें काफी अब्सॉर्प्शन और डिस्पर्शन हो जाती है, तो इमेजेस क्लियर नहीं है नजर आते। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में सेंड कर देते हैं। टेलीस्कोप्स आर सेंट इन स्पेस। जी बेटे, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है स्पेस बेस बताया, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जो कि 1990 में लॉन्च की गई थी। ये जैसा कि डायग्राम में इसको दिखाया गया है, ये ऑर्बिट करती अराउंड द अर्थ तकरीबन 600 किलोमीटर पे, 600 किलोमीटर की हाइट पे ये जो टेलीस्कोप है इट ऑर्बिट्स द अर्थ। एंड लिखा कि क्लियर पिक्चर्स गैलेक्सीज जो कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे हैं। बिलियन क्या होता है? खरब को बिलियन कहते हैं, एक खरब को बिलियन कहते हैं। तो खरबों किलोमीटर के फासलों पे जो गैलेक्सीज हैं हम उनको देख सकते हैं इनके जरिए हबल टेलीस्कोप के जरिए। नेक्स्ट बेटे इसमें है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम डिफरेंट वेवलेंथ्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स को हम स्टडी करते हैं
स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए। अब वेवलेंथ क्या होते हैं, डिफरेंट कलर, जैसे लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, इसमें सीरीज ऑफ प्रिज्म्स हैं जो कि इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट कलर्स में, और इन कलर्स के सेट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो कलर्स हमें मिलते हैं इन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप का बताया कि ये डिफरेंट कलर्स जो हैं उनकी वेवलेंथ को भी मेजर करती है, और वेवलेंथ जो लाइट की है, लाइट जो कि डिस्टेंट स्टार से आ रही होती है, साइंटिस्ट इनके जरिए जो है इन वेवलेंथ को मेजर करके ये मालूम कर सकते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो स्टार्स के अंदर मौजूद हैं। स्टार्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं, साइंटिस्ट इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप्स के जरिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट स्टार से आने वाली लाइट रेस को जो है वो स्टडी करके, उनकी स्पेक्ट्रम को स्टडी करके, डिफरेंट वेवलेंथ को स्टडी करके ये मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑन स्टार्स के अंदर मौजूद हैं। ये यहां बैठे देखें, इसी को एक्सप्लेन किया गया कि ये पैरेलल रेस जो आ रही हैं तो ये प्रिज्म में से गुजरने के बाद डिस्पर्स हो गई हैं। ये डिस्पर्स हो गई हैं और डिस्पर्स होने के बाद ये उनका स्पेक्ट्रम बना है, ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बन चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूं, यहां पे देखें इसके पार्ट्स को। ये कोलिमेटर कहलाता है, ये वाला हिस्सा, इसमें इधर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, ये टर्न टेबल है जिसके ऊपर ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में से जो लाइट रेस निकलती हैं तो आगे डिस्पर्स हो जाती हैं, और ये आगे टेलीस्कोप है जिसके अंदर से हम उनको देखते हैं, हम इन रेस को टेलीस्कोप के अंदर से देखते हैं, तो डिफरेंट हमें वेवलेंथ का हमें पता चल जाता है इसमें से। नेक्स्ट ये उसी स्प्लिटिंग को शो किया जो कि डिफरेंट कलर्स में स्प्लिटिंग होती है। अब स्पेस क्राफ्ट को देखें, स्पेस क्राफ्ट बेटे व्हीकल है दैट इज डिजाइन टू ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस के अंदर ट्रेवल करने के लिए ये बनाई गई है, और इसका यूज क्या है, डिफरेंट पर्पजेस के लिए इसका यूज है, जैसे कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, मेटेरियोलॉजी, नेविगेशन, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस एंड कार्गो इन स्पेस। स्पेस के अंदर ये चीजें स्टडी करनी है। आप देखें, पहली है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की होती है एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। उसके बाद क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑब्जर्व करना। मेटेरियोलॉजी, वेदर की स्टडी, वेदर फोरकास्टिंग, मौसमियात जिसे हम कह सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। नेविगेशन, नेविगेशन होता है फाइंडिंग पोजीशन एंड डायरेक्शन, हम किसी भी जगह हैं तो किसी भी जगह, इस जगह पे हैं, अपनी पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं, या इवन के हमारी ट्रेवलिंग कहीं भी हो रही है तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये चीज है नेविगेशन। प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, प्लैनेट्स को स्टडी करना, डिटेल से प्लैनेट्स को स्टडी करना। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाना, मतलब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कहां होती है, स्पेस स्टेशन पे इंसानों को पहुंचाना। एंड कार्गो, कार्गो क्या है, सामान, साजो सामान जो होता है उसको स्पेस में पहुंचाना। नेक्स्ट मेजर क्लासेस हैं स्पेस क्राफ्ट की, तो बेटे दो क्लासेस क्या, कैटेगरी स्पेस क्राफ्ट जो उनकी कैटेगरी या ग्रुप्स के हैं, तो दो ग्रुप हैं, एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट और दूसरा मैन्ड स्पेस क्राफ्ट। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट और मैन्ड स्पेस क्राफ्ट, ये दो किस्म के जो हैं वो स्पेस क्राफ्ट हैं। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट बेटे सेंड किए जाते हैं स्पेस में, किस लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, स्पेस का, स्पेस के अंदर मौजूद जो प्लैनेट्स हैं,
अदर हेवनली बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए ये रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो है इनको स्पेस में सेंड किया जाता है। तो रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल कैसे होता है? इसका कंट्रोल सेंटर अर्थ पे होता है। वायजर 1 और वायजर 2 ये दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं स्पेस क्राफ्ट की। ये मार्स और जुपिटर से रिलेटेड इन प्लैनेट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए ये रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट हैं जिनको स्पेस में सेंड किया गया था। ये राउंड अबाउट 1977 में भेजे गए थे। दूसरे हैं मैन्ड स्पेस क्राफ्ट, ये कैरी करते हैं ह्यूमंस और इक्विपमेंट्स को टू स्पेस, इंसानों को और इक्विपमेंट्स कोई साजो सामान जो भी चाहिए हो, चीजें चाहिए हो, तो उनको स्पेस में पहुंचाने के लिए यूज होते हैं। ये स्पेस क्राफ्ट लार्जर हैं और हैवी हैं, स्पेशली बिल्ट कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर जिनमें फैसिलिटीज होती हैं विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि इसमें इंसान होगा उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो भेजी गई होती हैं। जी बेटे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ऑक्सीजन, प्रेशराइज्ड कैबिन, फूड, वाटर या स्पेशली बिल्ट बाथरूम्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि ये स्पेस में भेजी जाती हैं। दे ऑल्सो हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस रेडिएशंस, क्योंकि बड़ी खतरनाक रेडिएशंस भी होती हैं, उनसे बचने के लिए कुछ इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशल सूटिंग वगैरह, स्पेशल सूटिंग वगैरह जो है ये चीजें इसमें होती हैं, क्योंकि स्पेस के अंदर रेडिएशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, डेंजरस होती हैं, उनसे बचने के लिए इसमें फैसिलिटीज होती है। स्पेस स्टेशन बेटे नेक्स्ट है कि अगर स्पेस में ज्यादा देर के लिए स्टे करना हो और स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हों तो लार्ज स्पेस क्राफ्ट जो है वहां पर यूज होते हैं जिन्हें स्पेस स्टेशन कहा जाता है, ये शक्ल में भी शो किया गया है। तो ये स्पेस स्टेशन बेटे किस लिए स्पेस में बनाया जाता है, बनाया कैसे जाता है? पर्पस तो इसका देखें एक्सपेरिमेंटेशन है। तो बनाया कैसे जाता है कि इसके छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं इनको स्पेस में ले जाते हैं इसके जरिए, स्पेस शटल के जरिए। स्पेस शटल भी मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2 मिनट्स की बात है। स्पेस शटल के जरिए इसके हिस्सों को स्पेस में ले जाते हैं, वहां इनकी असेंबलिंग कर दी जाती है। इसकी जो इसके अंदर काफी फैसिलिटीज होती हैं प्रोलॉन्ग स्टे स्पेस में करने के लिए। मसा देखिए इसमें टेलीविजन होता है एंटरटेनमेंट के लिए, इसमें स्लीपिंग बैग्स होते हैं, एक्सरसाइज की मशीनें होती हैं, किचन होता है फ्रेश फूड के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो स्पेस स्टेशन का है वो साइंटिफिक लेबोरेटरी है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरी होती है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट्स जो जमीन पे ग्रेविटी की वजह से नहीं हो सकते, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं यहाँ पे हो सकते हैं। नाउडेज बताया कि लार्ज स्पेस स्टेशन स्पेस ऑर्बिट्स जो हैं, स्पेस स्टेशन दे ऑर्बिट द अर्थ, ऑर्बिट में जमीन के गिर चक्कर लगाते हैं। इसमें रशियंस, अमेरिकन्स और अदर साइंटिस्ट जो हैं वो जॉइंटली वर्क करते हैं स्पेस स्टेशन में। तो ये स्पेस स्टेशन बेटे कहलाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक आज का जो होगा स्पेस शटल मैं बताऊंगा। ये डेवलप किया गया, ये मैन स्पेस क्राफ्ट है और यूज किस लिए होता है? एक तो हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं और इसको हम यूज करते हैं स्पेस में साइंटिस्ट को स्पेस स्टेशन तक साइंटिस्ट को पहुंचाने के लिए या इक्विपमेंट्स को भेजने के लिए। लिखा कि इट डॉक्स विद द स्पेस स्टेशन, ये स्पेस स्टेशन के साथ जाकर मिलता है और जो भी इसका लोड होता है ये स्पेस स्टेशन को ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स टास्क ये वापस जमीन पर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसा एरोप्लेन वापस आता है। तो ये स्पेस शटल
अपना सामान या इसमें ये ह्यूमन बींग्स को कैरी कर रहा होता है वो ये स्पेस स्टेशन पे पहुंचाकर वापस आ जाता है। तो बेटे इट वॉज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर। नाउ यू कैन क्वेश्चन, यू विल बी आंसर्ड।